नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा एग्जामिनेशन जो आयोजित किया गया है, भारत सरकार ने इनको जो जिम्मेदारी सौंपी है उस एग्ज़ाम की बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो उन्होंने जो दो एग्ज़ाम आयोजित किए उनका नाम है, पहला है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम JNEE 2019, और दूसरा है फॉर बायोटेक्नोलॉजी के लिए CEE 2019 कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इसके विषय में हम थोड़ी बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNEE में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil और PhD, ठीक है, कोर्स के लिए होने वाली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा JNEE एंटर एग्ज़ाम का आयोजन मई 2019 में किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil और PhD की आप कोर्स कर सकते हो, रिसर्च वगैरह इसमें होती है। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय एंटर आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, तो आप इसको एक बार देख लेना इसके विषय में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप NTA की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। आप जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपके सामने ये वाला जो इंटरफेस है आपको देखने को, सॉरी, ये वाला पेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पहला नंबर पर है लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, आपको ये डाउनलोड करना है। इसके अंदर 107 पेज दे रखे हैं, आप इसमें पूरी की पूरी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। ठीक है, क्या मतलब आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं और एग्जामिनेशन डेट, फीस, सिलेबस सब कुछ दे रखा है इसके बारे में। आप पूरा इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। और दूसरे नंबर पर इन्होंने पब्लिक नोटिस जारी किया है जो JNEE और CEE। ठीक है, आप इसको भी आप एक बार डाउनलोड कर लेना, और इसके बारे में मैं थोड़ा इसमें बताऊँगा तो इन्होंने इसमें क्या क्या बताया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब जैसे ही अब आप देख रहे हैं इसमें कि आप दो ऑप्शन फिल कर सकते हो। ठीक है, फिल एप्लीकेशन फॉर JNEE 2019, और एक आप कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CEE 2019 के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनका जो नोटिस है उसमें क्या बताएं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, सार्वजनिक सूचना 15 मार्च 2019, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 बायोटेक्नोलॉजी के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम हैं। मई 2019, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में इन्होंने बताया, तो भारत सरकार द्वारा इनको ये जो दो एग्ज़ाम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है NTA वालों को। तो NTA की अगली जो ये जो एग्ज़ाम है वो उनकी जो परीक्षा है वो 27 मई से 30 मई तक करवाई जाएगी। ठीक है, 27 मई से 30 मई तक करवाई जाएगी। अब बात करते हैं उक्त परीक्षा क्या होगी, कंप्यूटर बेस पे होगी। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस पे इसका एग्जामिनेशन होगा। जो अभ्यर्थी उपयुक्त परीक्षा को भाग लेना चाहते हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप भर सकते हो। आपको सबसे पहले तो आप NTA के ऊपर जाकर भी भर सकते हो, और दूसरा है इसने NTA JNEE.NICE.IN के ऊपर जाकर भी आप भर सकते हो। और टोटल इसने बुलेटिन के अंदर सूचना दे रखी है, आप पहले उसको PDF डाउनलोड कर लेना फॉर्म भरने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो अभ्यर्थियों को 15 मार्च 2019 से लेकर 15 अप्रैल, ठीक है, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच आवेदन करना है। और परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको 16 अप्रैल तक करना है। ठीक है, एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा शुल्क आपको भुगतान करने के लिए। ये इन्होंने NTA 15 तारीख को ये सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, मतलब पब्लिक नोटिस इन्होंने जारी किया था इन दोनों एग्जामों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, कैंडिडेट विल बी द कंप्लीटेड बैचलर डिग्री। ठीक है, बैचलर डिग्री आप कर सकते हो इसमें, द यूनिवर्सिटी फॉर द बायोलॉजिकल फिजिकल, ठीक है, और फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, 4-year BSc। अब इनके अंदर मेडिसिन, MBBS, BDS, अब ये सब इसके अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएट, अप ग्रेजुएट जो होते हैं, जो आप इसके अंदर डिग्री की आप कोई भी आप इसके अंदर इन यूनिवर्सिटी के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं कि जो इसका एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर क्या क्या होगा। तो उस एग्जामिनेशन सबसे पहले तो CBT बेस पे होगा। ठीक है, CBT बेस पे होगा। दूसरी बात, इसमें ड्यूरेशन 3 घंटे का। तीसरी बात, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, एडवांस लेवल का होगा पेपर, जैसे एडवांस में होता है JEE Mains एडवांस का जो होता है इस टाइप का होगा। तो मैक्सिमम मार्क होंगे इसके 100 नंबर का। इसमें जो 1, 2, 3, 4 जो मार्क करेक्ट रिस्पांस इच क्वेश्चन में वेरी डिफरेंट, आपके जो नेगेटिव, इसने लिखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट। ठीक है, ये देख लो आप, तीसरे नंबर पर स्कोर लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग, और इंग्लिश ओनली। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज जो भी पेपर आएगा वो इंग्लिश के अंदर आएगा, और इसका जो सिलेबस है वो आप इसके आपका जो 12th बेस के ऊपर ही होगा।
जब आप बुलेटिन को आप जब आपका जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई थी कि आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे पीडीएफ से, तो आपके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो ये वाला है जो पूरा आप फॉर्म सबमिट करते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरह के पेज भी होगा। आप इसको एक बार मैंने ऐसे बताया कि आप फिर इसमें फाइनल सबमिट करके जैसे जेई मेंस का फॉर्म भरते हो उसमें जो लास्ट में होता है टोटल का टोटल, इसमें भी ऐसा ही होगा। तो आप एक बार आप बुलेटिन को देख लो आप, ठीक है, नोट इन्फॉर्मेशन पूरी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी NTA द्वारा जो एक इन्फॉर्मेशन, उन्होंने जो सूचना नोटिस जारी किया था वो आपको मैंने बताया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूले। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।